अब पहला वर्ड लेते हैं अपन यहाँ से रहते, इसका अर्थ निकलता है काम मतलब की शांति। पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था, अगर आपको याद हो शांत वाला वर्ड, तो वर्ड था अपने पास में ALLAY। इसका कनेक्शन कैसे किया था कि जब छोटा बच्चा घर में रोता है या मुन्ना वगैरह जब रोता है तो जो माँ होती है उसकी, उसको शांत कराने के लिए वो क्या बोलती है कि आलेलेले। ऐसे ही क्या था कनेक्शन यहाँ से, ये कि आलेलेले मुन्ना शांत हो जाइए। देखिए यहाँ वर्ड देने इसका भी अर्थ शांत निकल रहा है। कुल मिलाकर ऐसे बोल सकते हैं कि आपस में दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हुए एक तरह से ये। तो यहाँ देखना कनेक्शन ऐसे करते हैं, बोली सेरेना, सेरेना कौन, सेरेना विलियम्स। जब भी ये खेलती है तो उस टाइम बिल्कुल शांत मन से खेलती है। देखने एक बार यहाँ सुनिए कि सेरेना और सेरेना विलियम्स, और सेरेना विलियम्स जब भी खेलती है तो कैसे खेलती है, बिल्कुल शांत मन से एक तरह से। उसके बाद जो वर्ड है अपना वो है ये, इसका अर्थ निकलता है क्राई मतलब कि चिल्लाना। और चिल्लाने का एक जो वर्ड पहले किया था वो वर्ड था अपने पास में HOLLER। वो किया था ना कनेक्शन यहां से कि होली रे एक तरह से ये। अब इसका अर्थ भी निकलता है यहां से चिल्लाना ही, मतलब कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं कि ये मतलब हिंदी वाला ये, और ले या ऐसे भी कर सकते हो आप लल्ले। देखते हैं यहां से, या तो लल्ले और या कर सकते हो ले। अगर सपोज करो जैसे ये लड़की है, छोटा बच्चा है, और इसकी मम्मी से ये बोल रहा है कि मुझे ये चीज दो, लेकिन इसकी मम्मी ऐसे बोल रही है बोले रुक जा भी दे दूंगी, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि एक तरह से ये जिद पकड़ ली इस बच्चे ने ये कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। उस कंडीशन में क्या होती है, जो मम्मी वगैरह होती है वो जोर से चिल्ला कर कहती है, देख रही बात बोले ये ले। कनेक्शन यहां से होगा कि ये ले, अब तो राजी है क्या, तो यहां से बैठ जाएगा बोले ये ले। तो इसका अर्थ निकला यहां से चिल्लाकर, एक तरह से उसने बोला ये, तो अर्थ कुल मिलाकर कह सकते चिल्लाना मतलब कि क्राई। फिर उसके बाद में है प्लेसियल, जिसका अर्थ निकलता है शानदार। और शानदार का ये जो वर्ड है वो है अपना पांच नंबर पर वर्ड, क्योंकि इससे पहले ये वर्ड तो कर चुके, मंगनी, मंगनी मतलब सगाई, और सगाई कैसे करते हैं शानदार की। और इसको ऐसे कर लेते हैं यहां से ये बोले PALAT, बोले पलट। और जब हमें कोई चीज शानदार लगती है तो उसको कैसे देखते हैं, पलट पलट कर देखते हैं, तो यहां से बैठेगा बोलेगी पलट एक तरह से ये। उसके बाद जो वर्ड है वो है अपने पास में इंडस्ट्रीज, जिसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग मतलब की मेहनती की। मेहनती के जो वर्ड है वो पहले अपने पास में हो चुके तीन गुड़ी, जिनमें पहला जो वर्ड था वो था असीडस, एक था लेबोरियस, एक था डिलीजेंट, और चार नंबर पर है ये इंडस्ट्रियस, जिसका अर्थ में निकलता मेहनती मतलब की हार्ड वर्किंग। तो यहां से जो कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं बोले कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मेहनती। तो यहां से बैठेगा इंडस्ट्री के थ्रू ये। अब है अपने पास स्वेल्टर, ये एसएससी में एक ही बार आया हुआ, एक ही बार आया ये शब्द, और ये आया था एक बार सीपीओ के अंदर, जिसका अर्थ निकलता पसीने से तर बतर हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह ऐसे ही लग रही। तो इसका देखो कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं कि स्वेटर, स्वेटर में स्वेटर, यहां से देखना आप ये स्वेटर में स्वेटर ही, अगर आप गर्मी के अंदर स्वेटर पहनोगे, देखना एक बार यहां से ही कि स्वेटर, अगर आप गर्मी में स्वेटर पहनोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाओगे, पसीने से तर बतर। तो यहां से बैठेगा बोले स्वेटर के थ्रू। तो ये हो चुके टोटल अपने पास में यहाँ वर्ड पांच, इनका एक बार कर लेते हैं रिविजन। कनेक्शन कैसे किया था वो सबसे पहले देखते हैं एक बार। एक नंबर जो वर्ड था अपने पास वो सेरेनी, इसका आंसर क्या था अपना काम मतलब कि शांति। तो कनेक्शन कैसे किया था कि सेरेना, सेरेना विलियम्स, और सेरेना विलियम्स है जब भी वो खेलती है तो बिल्कुल शांत मन से खेलती है, तो इसका अर्थ निकलता है शांति मतलब कि काम। उसके बाद दो नंबर पर वर्ड था येल, येल का अर्थ निकलता है जोर से चिल्लाना मतलब कि क्राई। कनेक्शन कैसे किया था कि ये ले, देख रहे हो यहां से बोलेगी ये और ले, जब वो बच्चा बार बार नहीं मान रहा था तो उसकी मम्मी ने कहा था बोले ये ले, और कैसे कहा जोर से चिल्ला करिए, तो इसका अर्थ निकलता है जोर से चिल्लाना।
उसके बाद में है प्लेसियन। प्लेसियन का अर्थ निकलता है मैग्निफिसेंट, मतलब कि शानदार। कनेक्शन कैसे किया था, बोले पलट, देखने एक बार यहां से, बोले पलट, जब हमें कोई चीज शानदार लगती है तो उसको पलट पलट कर देखते हैं, तो यहां से बैठ जाएगा प्लेसियन। उसके बाद है चार नंबर पर इंडस्ट्रियस, जिसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग, मतलब कि मेहनती। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेहनती है। उसके बाद में जो वर्ड है वो है पांच नंबर पर स्वेटर, इसका अर्थ निकलता है वेरी हॉट, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी लगे या पसीने से तर बतर हो जाए एक तरह से। तो कनेक्शन कैसे किया था, स्वेटर लोगे स्वेटर, देखना एक बार यहाँ से, स्वेटर लोगे स्वेटर, अगर आप गर्मी के अंदर स्वेटर पहनोगे तो जाहिर सी बात है कि पसीने से क्या हो जाओगे, पूरी तरह से तर बतर। उसके बाद में है डॉल्फिन, और इसका अर्थ निकलता है मौनपुर, मतलब कि शोकग्रस्त। शोकग्रस्त का अर्थ निकलता कहीं ना कहीं दुख में डूबा हुआ, शोक का अर्थ निकलता नेगेटिव वर्ड है ये, शोकग्रस्त का अर्थ निकलता दुख में डूबा हुआ ये। तो कनेक्शन कैसे करना है, बोलेगी डोली, देखने एक बार यहां से डोली, और जब घर में से डोली उड़ती है लड़की की तो घर वाले पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, शोकग्रस्त, मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पूरी तरह से दुख का माहौल हो जाता है वहां पर, पूरी तरह से दुख में डूब जाते हैं। तो यहां से बैठेगा कि जब घर में से डोली उठती है तो घर वाले क्या होते हैं, पूरी तरह से शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो यहां से कनेक्शन इसका करना है। उसके बाद में है सैक्रोसेंट, इसका अर्थ निकलता है होली, और होली का मतलब होता है पवित्र। तो देखो इसको यहां से करते हैं कि सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब सो, और बोले कि संत, संत मतलब संत, ये जिस भूमि के ऊपर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है, पवित्र। तो यहां से बैठेगा सैकड़ों और संत के तुरु। उसके बाद में है री कैसे ट्रेन की, जिसका अर्थ निकलता है डिसओबेडिएंट, मतलब कि अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी का पहले जो वर्ड हुआ था वो हुआ था कॉन्टुमासियस, कॉन्टुमासियस, इसका अर्थ भी क्या निकल रहा था, अवज्ञाकारी या अखड़े एक तरह से। इसका कनेक्शन यहां से कर लेते हैं कि री, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, केएल से बोलते हैं कैलकुलेटर। हुई अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाता है मैथ के पेपर में, मैथ के पेपर में ले गया, तीन पेपर उसके मैथ के हों और पहले पेपर में ले गए तो गलती से ले गए, उसको पता नहीं था, टीचर पहली बार वार्निंग देते हैं, बोले कि ये मत यूज करना, लेकिन उसके बावजूद देख नहीं पा रही, ये कह रहा है कि री, री का मतलब दोबारा, और केएल से बोले कैलकुलेटर, वो दोबारा फिर से अगर कैलकुलेटर ले जाता है तो इसका अर्थ ये निकला कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वो स्टूडेंट कैसा होगा, अवज्ञाकारी, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वो कैसा होगा, डिसओबेडिएंट। तो यहां से बैठेगा री और केएल से के। अब है अपने पास में डेस्टिट्यूट, इस वर्ड को भी क्या करते हैं, एसएससी के अंदर ज्यादातर वन वर्ड के अंदर में पूछा हुआ है, जिसका अर्थ निकलता है गरीब, मतलब कि पुअरी। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, देखने एक बार यहां से, बोलेगी देश और टूट, देखने एक बार यहां से, बोली देश और टूट, जिस देश में, देखने एक बार यहां से, बोलेगी जिस देश में लोग खाने पर टूट पड़े, देखने एक बार यहां से, ये कि जिस देश में लोग खाने पर टूट पड़े वो देश ही कौन सा है, गरीब देश है, वहां रहने वाले लोग कैसे हैं, गरीब है। तो यहां से बैठेगा देश प्लस टूट के तुम। उसके बाद वर्ड है बीटीपी, जिसका अर्थ निकलता है खुशी, मतलब कि परम गति। खुशी को सेकंड पोर्शन में बोल सकते हैं परम गति, मतलब कि प्लेसफुल। ये जो वर्ड बना हुआ है ये वो बना हुआ यहां से, इस जगह से बी एल आई डबल एस, फिर फुल जोड़ दिया, मतलब खुश से खुशी बन गए यहां पर। अब कनेक्शन कैसे होगा, यहां देखना, बोले बी ई ए टी आई बी टी, बी टी किसको बोलते हैं, रिंग को बोलते हैं, देखना एक बार यहां से, बोले बी ई ए टी आई बी टी, मतलब बी टी बोलते हैं रिंग को। ये जब लड़की लड़के को जब रिंग पहनाती है, जब बेटे पहनाती है, तो उस टाइम उसकी कंडीशन हो जाती है सातवें आसमान जैसे, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उसको इतनी खुशी मिलती है कि उसको एहसास होता है परम गति मिल चुकी है एक तरह से। तो यहां से बैठेगा
बेटे के थ्रू। उसके बाद में जो वर्ड है वो है अपने पास में, यहां से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज में टोटल वर्ड हो चुके अपने 10 वर्ड। कनेक्शन कैसे किया था वो एक बार देख लेते हैं। एक नंबर जो वर्ड है अपना वो था सेरेनी। इसका कनेक्शन किया था सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स जब भी खेलती है तो कैसे खेलती है, शांत मन से खेलती है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड था अपना वो है अपने पास में येल। येल का जो अर्थ है वो था चिल्लाना। कनेक्शन कैसे किया था इसका कि जब वो छोटा बच्चा नहीं मान रहा था, बार बार चीज मांग रहा था मम्मी से, नहीं मान रहा था अपनी मम्मी की, तो उस कंडीशन उस मम्मी ने क्या कहा, बोली येल ले, मतलब जोर से चिल्ला कर कहा बोली येल ले, तो इसका अर्थ निकलता है चिल्लाना। तीन नंबर पर जो वर्ड है अपने पास है प्लेसियन। इसका अर्थ निकलता है शानदार। कनेक्शन कैसे किया था कि यहां से वर्ड उठाया था कि पी ए एल ए टी मतलब पलट। जब हमें कोई चीज शानदार लगती है तो उसको पलट पलट कर देखते हैं। उसके बाद चार नंबर पर जो वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग, मतलब कि मेहनती। कनेक्शन कैसे किया था कि इंडस्ट्री मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती है। उसके बाद में था स्वेल्टर। स्वेल्टर का कनेक्शन कैसे किया था कि स्वेल्टर, स्वेल्टर में स्वेटर, अगर आप गर्मी के अंदर स्वेटर पहन लेते हो तो उस कंडीशन में पसीने से क्या हो जाओगे, पूरी तरह से तरबतर। तो इसका अर्थ निकलता है पसीने से तरबतर हो जाना, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वेरी हॉट। उसके बाद में वर्ड है छह नंबर पर डॉलपुल। डॉलपुल का अपना जो आंसर था वो था मॉनपुल, मतलब कि शोक ग्रस्त, दुख में डूबा हुआ। कनेक्शन कैसे किया था कि जब घर में लड़की की डोली उड़ती है, देखने एक बार यहां से, जब घर में लड़की की डोली उठती है उस कंडीशन में सारे के सारे घर वाले पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है शोकग्रस्ती। उसके बाद सात नंबर पर जो वर्ड है वह है सैक्रोसेंट। इसका कनेक्शन किया था कि सैकड़ों, सैकड़ा मतलब सो, और बोली संत कि जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हैं वो भूमि क्या बन जाती है, पवित्र। उसके बाद में है अपने पास में सात नंबर सैकड़ों सेंट। तो इसका कनेक्शन कैसे किया था, सैकड़ों मतलब कि सो, और ये आ जाएगा यहां से संत कि जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है, पवित्र। उसके बाद आठ नंबर पर है अपने पास में रिकैल्सिट्रेंट, जिसका अर्थ था अपने पास में डिसोबेडिएंट, मतलब कि अवज्ञाकारी। इसका कनेक्शन किया था यहां से कि रीका मतलब क्या होता है, दोबारा। केएलसी का मतलब है कैलकुलेटर। अगर एक बार मना कर दे किसी स्टूडेंट को बोले कैलकुलेटर नहीं लाना है, उसके बावजूद वो बार बार अगर लाता है, मतलब दोबारा लाता है उसको, ये उस कंडीशन में क्या होगा कि वो टीचर उस स्टूडेंट को क्या समझेगा, अवज्ञाकारी है। तो उसका अर्थ निकलता है अवज्ञाकारी। उसके बाद नौ नंबर पर है डेस्टिट्यूट। इसका अर्थ निकलता है पुअर, मतलब कि गरीबी। कनेक्शन कैसे किया था कि देश और टूट, कि जिस देश में लोग खाने पर टूट पड़े, खाना आया और सीधे टूट पड़े, वो देश ही कैसा होगा, गरीब, और वहां रहने वाले लोग भी सारे सारे कैसे गरीब एक तरह से। उसके बाद 10 नंबर पर बीटीपी, जिसका अर्थ निकलता परम गति या खुशी। कनेक्शन कैसे किया था कि जब बेटी पहनाती है नहीं, जब रिंग एंगेजमेंट वगैरह होती है तो रिंग वाला, रिंग का मतलब बेटी एक तरह से, जब बेटी पहनाती है तो उस कंडीशन में लड़के को क्या लगता है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है परम गति मिल गई एक तरह से, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खुशी मिलती है एक तरह से। उसके बाद फिर है अपने पास में सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ निकलता है इंपॉर्टेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण। तो कनेक्शन देखो इसका सीधा हो जाएगा यहां से ही, बोले एस आई जी एन मतलब कि साइन, और हर आदमी के जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां से बैठ जाएगा साइन के थ्रू। अब है अपने पास में चुभी। इसका अर्थ निकलता है रोटन, मतलब कि मोटाई। तो देखो मोटे के वर्ड हो चुके अपने पास पहले दो, जिसमें एक वर्ड तो कौन सा था, वो बेस वाला ही, कि ओ बेस इधर आ, या ओ बेस है इधर आ, ऐसे भी आप कनेक्शन कर सकते हो। और एक वर्ड क्या था, पोर्टले वाला,
कि जो पोटली से लटका रहेगी तो पेट के ऊपर मतलब कि मोटाई। और तीसरा जो वर्ड है वो है अपने पास चुप्पी। तो यहाँ से देखने एक बार ये इस जगह है, और जैसे इमेज में देखना एक बार आप ये कि कनेक्शन कैसे करें, यहाँ से कर लेते हैं। बोली चुप्पी मतलब कि चुभना एक तरह से। अगर सपोज मैं जैसे इतना मोटा हो, इसको पब्लिक में सबके सामने ऐसे बोलते बोले ओ मोटे इतना, तो ये बात इसको क्या होगी, चुभेगी। तो देखो ये बोले इसको ये बात चुभी क्या, जब मैंने उसको क्या कहा बोले ओ मोटे इधर आ, तो यहां से बैठेगा चुभे के थ्रू। उसके बाद जो वर्ड है वो है अपने पास में स्लैप डेसी। इसका अर्थ निकलता है केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। तो कनेक्शन देखो कहां से करते हैं, यहां से कर लेते हैं। स्लैप, स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़। और यहां से कर देते हैं दस। देखने एक बार इसे कि स्लैप का मतलब वो थप्पड़ और इसको कर देते हैं दस, तो दस थप्पड़ी पड़ी है। कब पड़ी देखने एक बार, ये लड़की है आप, इसके पापा ने इसको बार बार मना किया, मतलब वहां मत जाएगा। लेकिन एक दिन हो सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही करती हो, उस कंडीशन में जब घर वालों को पता चला तो उसे कितनी थप्पड़ी पड़ी, दस थप्पड़ी पड़ी है। तो यहां से बैठेगा दस और थप्पड़ की। अब है यहां पर डॉग, इसका अर्थ निकलता है स्पियन, मतलब कि दाग या धब्बाई। जब कभी कभार आपने देखा होगा कि अपने कपड़ों के ऊपर ऐसे दाग लग जाते हैं जो घर पर धुलना पॉसिबल नहीं, उस कंडीशन में हम कहां जाते हैं, धोबी के पास में। तो कनेक्शन यहीं से हो जाएगा, बोलेंगे धोबी, और धोबी के पास में गए, क्यों गए, उस दाग को साफ करवाने के लिए, धुलवाने के लिए। तो यहां से बैठेगा धोबी के थ्रू। फिर वर्ड है अपने पास एक केरे, इसका अर्थ निकलता है स्वेल, मतलब कि झुकाना। तो देखो कनेक्शन यहां से हो जाएगा। इस वर्ड को भी कोशिश करते हैं कि इसके साथ ही ले लेते हैं, ये अलग से याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। इसको ऐसे कर लेते हैं, सवेरे, सवेरे मतलब कि सुबह सुबह, यहां से कर देते हैं सवेरे मतलब कि सुबह सुबह एक तरह से। और इसको ले लेते हैं यहां से करीन, मतलब करीना कपूर। ये करीना कपूर क्या करती है, सवेरे सवेरे अपनी बॉडी को झुका झुका कर डांस करती है। देखने एक बार यहां से ये करीना कपूर सवेरे सवेरे वो बॉडी को झुका झुका कर डांस करती है। तो यहां से बैठ जाएगा करीना कपूर के थ्रू। अब कर लेते हैं एक बार यहां से रिवाइज। तो देखने एक बार यहां से छह नंबर पर जो वर्ड है अपने पास वो है डॉलफिन, जिसका अर्थ निकलता है मौन, मतलब कि शोकग्रस्त। कनेक्शन कैसे किया था कि डॉली, कि जब घर में से डॉली उड़ती है किसी लड़की की, या जो लड़की वगैरह है उसकी जब डॉली उड़ती है, तो सारे के सारे घर वाले क्या होते हैं, पूरी तरह से शौक में डूब जाते हैं। उसके बाद जो वर्ड था सात नंबर पर वो है सैकड़ों सेंट। कनेक्शन कैसे किया था कि सैकड़ों मतलब कि सौ, और बोले संत कि जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है, पवित्र। उसके बाद आठ नंबर पर वर्ड था रिकैल्सिट्रेंट, इसका अर्थ निकलता है डिसोबेडिएंट, मतलब कि अवज्ञाकारी। कनेक्शन कैसे किया था कि री का मतलब था दोबारा, केएलसी का मतलब था कैलकुलेटर। अगर कोई स्टूडेंट मना करने के बावजूद दोबारा अगर कैलकुलेटर लाता है तो वो स्टूडेंट क्या होगा, अवज्ञाकारी, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इंग्लिश में डिसोबेडिएंट। उसके बाद नौ नंबर पर वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का अर्थ था अपना पुअर, मतलब कि गरीबी। कनेक्शन कैसे किया था कि देश और टूट, कि जिस देश में लोग खाने पर टूट पड़े, खाना अधिकार सीधे टूट पड़े, वो देश ही कैसा होगा, गरीब देश, और वहां के रहने वाले लोग ही कैसे होंगे, गरीबी। उसके बाद दस नंबर पर है बीटीपिक। बीटीपिक का अर्थ निकलता है ब्लाइस, मतलब कि परम गति या खुशी एक तरह से। कनेक्शन कैसे किया था कि जब लड़की बेटी पहनाती है, मतलब कि रिंग पहनाती है, उस टाइम पूरी तरह से इतनी खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं परम गति का अनुभव हुआ एक तरह से। उसके बाद 11 नंबर पर वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का आंसर क्या था अपना, इंपॉर्टेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण। कनेक्शन कैसे किया था, साइन, और हर आदमी के जो साइन होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ही। उसके बाद 12 नंबर पर है चौबी, इसका अर्थ रोटुंड, मतलब कि मोटा। कनेक्शन कैसे किया था, बोले कि चुप्पी, मतलब कि हिंदी वाला चुप्पी, कि जब मैंने उसको सबके सामने ऐसे कहा बोले ओ मोटा, तो उसको ये बात क्या हुई, चुप्पी एक तरह से ही। तो इसका अर्थ निकलता है मोटाई। उसके बाद 13 नंबर पर है स्लेपडास, जिसका अर्थ था केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। कनेक्शन कैसे किया था कि स्लेप का मतलब होता है थप्पड़,
और यहां कर लेते हैं दस्त, ये हिंदी वाला दस्त ये, कि उसके दस्त तब पड़े पड़े थे जब उसने लापरवाही भरा काम किया था तब, ये तो यहां से बैठेगा स्लेब का मतलब था पड़ और ये दस्त ये। उसके बाद 14 नंबर पर है डॉग ये, जिसका अर्थ निकलता है स्मियर, मतलब कि दाग या धब्बा। जब अपने से कोई दाग या धब्बा साफ नहीं होता अपने कपड़ों पर लगा हुआ, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, धोबी के पास में। उसके बाद 15 नंबर केरी, इसका अर्थ था स्वेर, मतलब कि झुकाना। कनेक्शन ये से किया था कि करीना करीना कपूर सवेरे सवेरे अपनी बॉडी को झुका झुका कर डांस करती है, तो इसका अर्थ निकलता है झुकाना। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं यहां पर हेस्टी, इसका अर्थ निकलता है रेस या हेडी, मतलब आतुर या उतावला। तो यहां देखना इस जगह है बड़ी बड़ी हस्तियां सलमान खान और केट, और कनेक्शन कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो देखना इस जगह से आप इसको यूं कर लेते हैं, साउंड ले लेते हैं यहां हस्ती, साउंड कौन सा ले लेते हैं हस्ती, कि जब बड़ी बड़ी हस्तियां आती है, सपोज करो अपने जयपुर में आ जाए, यहाँ बड़ी बड़ी यहाँ टोक फाटक इसी जगह आ जाएंगे, कि बड़ी बड़ी हस्तियां आए तो हर कोई आदमी उनको देखने के लिए क्या रहता है, आतुर या उतावला रहता है ये, तो यहां से बैठेगा हस्ती के थ्रू ही। फिर वर्ड है अपने पास में कंस्ट्यू, मतलब अर्थ निकलता है इलुसिडेट, व्याख्या करना, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेन का अर्थ भी व्याख्या करना ही निकलता है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। कनेक्शन कैसे करना है यहां से देखना ही, मन पहले एक बार ये वर्ड कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे कि CONS, देख ले हमारे यहाँ CONS मतलब कि कौन सा, और TRUE ट्रू मतलब कि सत्य है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये टीचर इस स्टूडेंट से ये कह रही है कि तुम ये व्याख्या करो, तुम ये एक्सप्लेन करो कि ये जो मैंने आपको पर्सन दिया है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखो यहां से कि टीचर ने स्टूडेंट को कहा क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, तो इसका अर्थ निकल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा कौन सा प्लस है ट्रू के थ्रू। अब है अपने पास में लेसिट्यूड, और इसका अर्थ निकलता है आलस्य। पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था जिसका अर्थ भी आलस्य होता है, और वो वर्ड था अपने पास में ये LETHARZY। कनेक्शन कैसे किया था, बोले कि लेटा, अगर कोई आदमी सारा दिन क्या हो लेटा ही रहे तो उसमें आलस्य सा आ जाता है, और यहां कनेक्शन कर लेते हैं इसका लस्सी, देखना है हमारे यहां से, बोले कि लस्सी, अगर कोई आदमी गर्मी का मौसम हो, जून का महीना चल रहा हो, गर्मी ज्यादा पड़ती है, 12 बजे के आसपास 4-5 गिलास अगर लस्सी के पी जाए तो उस कंडीशन में उसको क्या आएगा, एक तो नींद से आएगी, आलस्य से आने लगेगा, तो यहां से बैठेगा लस्सी के थ्रू। उसके बाद में है इंजरीज, इंजरीज का अर्थ बताना है यहां पर हम, मतलब कि नुकसानदायक, नुकसानदायक का पहले एक वर्ड हुआ था कुछ अगर आपको याद हो, तो वर्ड था अपना डिलीटेरियस, इसका अर्थ था नुकसानदायक। एक वर्ड और था डेट्रीमेंटल, जिसका अर्थ भी निकल रहा था नुकसानदायक। इसका तो कनेक्शन किया था यहां से डिलीट कर देते हैं, जो फाइल हमें क्या लगती है हमारे लिए नुकसानदायक हो उन फाइलों को, और इसका किया था यहां से थ्री का मतलब थ्री मतलब तीन, और मेंटल का मतलब पागल, कि तीन पागल आदमी हो और जो चौथा पागल आदमी नहीं है उसको भी बना देंगे, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं चौथे आदमी के लिए वो क्या होंगे नुकसानदायक। अब एक वर्ड यहां आ गया इंजरियस, इसका अर्थ भी क्या बता रहा है नुकसानदायक। कुल मिलाकर अर्थ में ये कह सकता हूं कि आपस में तीनों क्या होंगे सिनोनिम्स हो गए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको याद ऐसे नहीं करना है कि सिनोनिम कौन कौन से हैं, खुद ही बनते जाएंगे वर्ड, जैसे जैसे आगे प्रोसेस चलेगा आपको ऐसे लगेगा बोले इतने सारे वर्ड मुझे याद हो गए। देखने आ सकिए इंजरीज कनेक्शन कैसे होगा, इंजरी मतलब चोट, अगर सपोज करो किसी खिलाड़ी को खेलते खेलते खेल के दौरान बीच में अगर इंजरी मतलब कि वो इंजर्ड हो जाए, कहीं ना कहीं चोट लग जाए एक तरह से, ये
तो उस टीम के लिए क्या होगा, एक तरह पूरी तरह से नुकसान आएगी, तो यहां से बैठेगा इंजरी के थ्रू। अब है अपने पास में जॉनी, इसका अर्थ निकलता है मेरी, मतलब की खुशी, और इसका कनेक्शन जो है वो उठाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं खुशी का कोई पहले वर्ड किया था या अपन, शायद एक वर्ड किया था चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ भी क्या निकलता है, खुशी। कनेक्शन कैसे किया था, चीयर गर्ल्स के थ्रू, ये जो चीयर गर्ल्स है उनको देख देख कर खुशी मिलना आईपीएल में है, और इसका अर्थ भी क्या है, खुशी है। अर्थ कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, और अगर मैं इनका अपोजिट करूं मतलब ये एंटोनिम्स करूं तो कहीं ना कहीं कर सकता हूं मैं, एक वर्ड मैंने कराया था आपको अगर याद हो, GLOOMY, ग्लोमी, मतलब कि गुलामी, और गुलामी में आदमी कैसे रहता है, उदासी। एक वर्ड और कराया था मैंने आपको ये SULLEN, कनेक्शन किया था मैंने यहाँ से सूली, सूली के वो चढ़ा दिया था ईसा मसीह को, तो उसके जो मानने वाले जो धर्म के जो लोग थे वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, उदास। तो देखो ग्लोमी और सूलेन, ये तो इन तीनों के क्या हो गए, एक दो तीन इनके अपोजिट, और एक दो तीन ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स ही है। अब यहां से कनेक्शन ऐसे करते हैं कि वर्ड है अपने पास में JOLLY, तो देखो यहां साउंड निकालते हैं जूली, और एक गाना आपने अगर सुना हो देख रहे यहां से कि जूली 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 के ऊपर आया मेरा जोने का दिल, कुछ ऐसा एक गाना था मिथुन चक्रवर्ती वो गाता था उस टाइम, वो देखना आप उस गाने को अगर देखा नहीं हो तो पूरे मतलब बहुत ज्यादा उसको खुशी मिलती थी गाते गाते ही, तो यहां से बैठेगा जूली 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 के ऊपर आया जोने का दिल, ये तो उस गाने में मिथुन चक्रवर्ती गाते से बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रही थी उसको। तो ये हो चुके टोटल अपने पास में 20, और एक बार इनका और रिवाइज कर लेते हैं इससे। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का जो कनेक्शन है वो किया था साइन के थ्रू, कि हर आदमी के साइन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां से निकल जाएगा ये कनेक्शन। अब बात करते हैं 12 नंबर, चुप्पी। चुप्पी का अर्थ रोटन, मतलब कि मोटा। कनेक्शन कैसे किया था कि जैसे मैंने उसको सबके सामने कहा ओ मोटा, तो कहीं ना कहीं उसको यह बात बहुत ही ज्यादा चुप्पी, तो ये बैठ जाएगा चुप्पी के थ्रू। अब 13 नंबर स्लेव टास्क, स्लेवदास का अर्थ निकलता है केयरलेस, मतलब कि लापरवाही। कनेक्शन कैसे किया था कि स्लेव का अर्थ निकलता है थप्पड़, और ये होता है 10, कि उसे कितने थप्पड़ की पड़ी थी, 10 थप्पड़ की पड़ी थी जब उसने लापरवाही भरा काम कर दिया तभी। उसके बाद में 14 नंबर पर जो वर्ड है वो है अपने पास में डॉग। इसका कनेक्शन कैसे किया था, दाग, इसका अर्थ निकलता दाग या धब्बा। कार्ड पर को दिया नहीं, लाइट बोलो। उसके बाद 14 नंबर पर अपने पास में डॉग, इसका अर्थ स्मेर, मतलब कि दाग या धब्बा। कनेक्शन कैसे किया था कि जब कोई कपड़े के ऊपर अपने दाग लग जाए और वो दाग अगर नहीं धुले अपने से, तो हम क्या करते हैं उस दाग को धुलवाने के लिए किसके पास जाते हैं, धोबी के पास में। तो ये कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा धोबी के थ्रू। उसके बाद 15 नंबर पर है अपने पास कैरिंग, इसका अर्थ निकलता है स्वेर, मतलब कि झुकाना। कनेक्शन कैसे किया था कि करीन करीम करीना कपूर, और करीना कपूर जो है वो सवेरे सवेरे बॉडी को झुका झुका कर डांस करती है। उसके बाद 16 नंबर पर है एसटी, एसटी का अर्थ निकलता है आतुर होना या उतावला होना एक तरह से। कनेक्शन कैसे किया था देखने एक बार यहां से, कि हस्ती, कि जब बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, जैसे सपोज करो अपने जयपुर में आ जाए, तो उनको देखने के लिए जो जनता होती है पूरी तरह से आतुर और उतावली नजर आती है, तो इसका अर्थ निकलता है आतुर या उतावला। 17 नंबर पर जो वर्ड है वो है अपने पास कंस्ट्यू, कंस्ट्यू का अर्थ निकलता है इलुसिडेट, मतलब कि व्याख्या करना। कनेक्शन कैसे किया था कि कौन सा, देखने यहां से बोले कौन सा, मतलब ये हिंदी वाला, और ये लेते ट्रू, मतलब कि सत्य, कि उस टीचर ने उस स्टूडेंट से ये कहा कि जो मैंने तेरे को ये पर्सन दिया है उसमें मुझे ये वाक्य व्याख्या करके बता कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहां से बैठ जाएगा कंस और प्लस ट्रू के थ्रू। अब है अपने पास में लेसिट्यूड, जिसका अर्थ निकल रहा था आलस्य, मतलब कि लेजीनेस।
इसका कनेक्शन कैसे किया था, यहां से कि लस्सी अगर गर्मी का मौसम हो, मई जून का महीना चल रहा हो, 12 बजे दोपहर के बज रहे हो, उस टाइम अगर आप 4-5 ग्लास अगर लस्सी के पी जाओ तो उस टाइम पर आलस्य से आने लगता है, नींद से आने लगती है, तो यहां से बैठ जाएगा लस्सी के थ्रू। फिर है 19 नंबर पर अपने पास में इंजरियस, और इंजरियस का अर्थ है हार्मफुल, मतलब कि नुकसानदायक। कनेक्शन कैसे किया था, इंजरी कि अगर खेल के दौरान बीच में अगर इंजरी लग जाए, मतलब कहीं ना कहीं चोट लग जाए एक तरह से, तो उस कंडीशन में उस टीम के लिए एक तरह से वो नुकसानदायक ही होता है, तो यहां से बैठेगा इंजरी के थ्रू। उसके बाद 20 नंबर पर है ये जोली वाला, इसका आंसर क्या था अपना, मेरी मतलब कि कुसी। कनेक्शन कैसे किया था कि जोली 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 के ऊपर आया जोनी का दिन, उस गाने को गाते समय मिथुन चक्रवर्ती बहुत ज्यादा खुश था, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरह से उसको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, तो इसका अर्थ निकलता है खुशी। उसके बाद फिर है अपने पास में यहाँ पर जितेंद्र, इसका अर्थ निकलता है नर्वस, मतलब कि घबराया हुआ। देखो ये वर्ड बना हुआ यहां से JITTER, इसका अर्थ भी यही निकलता है नर्वस, इसी से बना हुआ वर्ड है जिसका अर्थ है घबराया हुआ। अब इसको कनेक्शन देखो कैसे करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, बोले GIT मतलब कि जीत, और TERY मतलब कि तेरी। जब हम खेलने के लिए कहीं जाते हैं और तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, थोड़े से अपन नर्वस से हो जाते हैं, मतलब घबरा से जाते हैं, और उस कंडीशन में फिर क्या होता है, घर वाले अपना हौसला अफजाई करने के लिए अपने को ये बोलते हैं, बोले बेटा जीत तो तेरी होगी, तो घबरा मत, देखने एक बार यहाँ से। कब बोलते हैं, जब अपन पूरी तरह से नर्वस हो जाते हैं नहीं है, तब वो बोलते हैं कि बेटा जीत तो तेरी ही होगी, घबरा मत एक तरह से ये, तो कनेक्शन बैठ जाएगा जीत प्लस तेरी। अब हाँ अपने पास है फेकलेस, फेकलेस का अर्थ निकलता है लापरवाह। लापरवाह का पहले भी मैं एक वर्ड बता चुका आपको, वो थप्पड़ पड़ी थी 10, मतलब कि स्लैप डैश वाला ही है, तो यहां से निकला था स्लैप का मतलब थप्पड़, और ये 10 थप्पड़ पड़ी थी जब लापरवाही भरा काम किया था भी। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहां से, यहां देखना इमेज के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है बढ़िया, ये लड़का है जैसे इसका सामान देखना कभी इधर यहाँ इधर ये ऐसे ऐसे, तो कनेक्शन देखो यहां से हो गई, बोले फेंक ये आता है और हर बार क्या करता है कमरे में जैसे है यार सामान हो इधर फेंका उधर फेंका, ऐसे आदमी क्या होते हैं लापरवाह, तो यहां से बैठेगा फेक के थ्रू। फिर वर्ड है अपने पास राइट, मतलब कि वाइड स्प्रेड, परचूर या फैलाव, परचूर मतलब परचूर मात्रा में होना बहुत ही ज्यादा ही। तो देखो यहां से ऐसे कर लेते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका है शक्तिशाली देश है और विश्व में नंबर 1 की पोजिशन है नंबर 1 की, तो देखने एक बार यहां से ये यूं कर लेते हैं, राइफल मतलब कि राइफल, और अमेरिका के पास जो राइफल है जो बंदूक वगैरह जिनको बोलते हैं एक तरह से, ये जो राइफल है वो एक तरह से प्रचुर मात्रा में है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से ये, तो यहां से बैठ जाएगा राइफल के थ्रू। अब अपने पास है डांटी, इसका अर्थ निकलता है इंटाइमिडेट, मतलब कि डराना। ये जो वर्ड है वो बना कहां से है एक बार वो भी देखना, इसमें वर्ड आ रहा है टाइमिड, इस वर्ड से इसका अर्थ निकलता है डरपोक या कायरी, इस वर्ड से ही बना हुआ ये, और ये वर्ड कोई अलग नहीं है, पर बना इतना सा दिया कि यहां से IN जोड़ दिया, यहां से AT जोड़ दिया, अर्थ निकाल दिया इसका डराना। अब कनेक्शन कैसे करना है देखने एक बार, कि डांट 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 पड़ती नहीं उसको, ये अगर बच्चे को डराना है तो सीधा सा एक ही तरीका है उसको आप डांटो, देखने एक बार यहां से, बोले बच्चे को डांट डांट कर उसको डराना, तो यहां से बैठ जाएगा डांट के थ्रू। इससे रिलेटेड एक वर्ड पहले हुआ था अपना, अगर आपको याद हो ये वर्ड, कि जब डांट कम पड़ती है, देखना वर्ड वही डांट ये डांट, यहां लेस जोड़ दिया इसने ये, जब डांट कम पड़ती है तो क्या होता है बच्चा निडर बन जाता है, लेकिन यहां पर क्या है डराने वाला ही। उसके बाद देखना आगे वाला पॉइंट है स्टेशनरी, जिसका अर्थ निकलता है स्टैंडिंग, मतलब कि स्थिर। इसका जब भी अपोजिट पूछता है, जब भी एंटोनिम्स पूछता है एसएससी में, तो ज्यादा 99% पूछा हुआ वर्ड है तो वो है मूविंग। मूविंग का मतलब होता है चलता फिरता या मूवेबल बोल सकते हैं एक तरह से, और स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थिर, मतलब खड़ा हुआ एक तरह से।
तो यहां देखना आप, इसको यूं कर लेते हैं स्टेशन के थ्रू। जो स्टेशन होता है वो एक जगह खड़ा रहता है, मतलब कहीं नहीं बोलते, ये बिल्कुल स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ खड़ा है, दो दिन वहां, दो चार किलोमीटर दूर चला गया ही। तो इसका अर्थ ही निकला, जो स्टेशन होता है वो एक ही जगह खड़ा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें एक जो आएगी वो आएगी कि स्टेशनरी में क्या दो वर्ड है। अब अपने को क्या पता चले कि कौन सा स्टेशन वाला कौन सा है, जो स्टैंडिंग है और जो दूसरा है वो कौन सा है। तो एक ही स्टेशनरी ये भी होता है और दोनों में फर्क देखना केवल और केवल ए और ई का आ रहा है। मतलब यहां पर देखना इस जगह ई है और यहां ए है। अब अगर सिनोनिम्स पे आ जाए तो बड़ी दिक्कत ही होगी कि मैं कौन सा करूं, स्टैंडिंग वाला कौन सा है, मतलब स्थिर वाला कौन सा है। तो इसका एक तरीका देखना कि ई आर मतलब कि इरेजर, इसका अर्थ निकलता पूरे वर्ड का लेकर सामग्री। स्टेशनरी की दुकान पर देखना यही इंग्लिश लिखी हुई रहती है, तो यहां से कर सकते इरेजर, और इरेजर कहां मिलता है, स्टेशनरी की दुकान पर। तो यहां से बैठ जाएगा कि लेकर सामग्री वाला है। इसका एक बेनिफिट आपको ये भी हो सकता है कभी कभार सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स उनमें काम में आ जाता है। तो इसका तो कनेक्शन कर ही है, यहाँ से स्टेशन कैसे रहता है, हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है एक तरह से। उसके बाद में फिर जो है यहाँ देख लेते हैं, ये टोटल हो चुके हैं अपने पास में 25 वर्ड। इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस जगह से 16 नंबर जो वर्ड है हैस्टी, जिसका अर्थ था आतुर या उतावला। कनेक्शन कैसे किया था कि हस्ती, अगर कोई बड़ी हस्ती आ जाए जैसे अपने इलाके के अंदर, तो उसको देखने के लिए हर कोई क्या रहता है, आतुर या उतावला। उसके बाद 17 नंबर पर है कॉन्स्ट्यू। कॉन्स्ट्यू का अर्थ निकलता है इल्यूसिडेट, मतलब कि व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ही कनेक्शन कैसे किया था कि कौन सा, यहां से निकल जाएगा कौन सा। और उसके बाद देख लेते आगे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब सत्य होता है एक तरह से ही। तो उस टीचर ने क्या किया, उस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया और उसने ये पूछा उससे कि तुम मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ, तुम मुझे ये व्याख्या करके बताओ कि इनमें से कौन सा तो ट्रू है और कौन सा फाल्स है, मतलब कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। इसका अर्थ निकलता है व्याख्या करना। उसके बाद में है 18 नंबर पर लेसिट्यूडी। इसका अर्थ था लेजीनेस, मतलब कि आलस्य। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से लस्सी के थ्रू। अगर आप लस्सी के दो चार पांच गिलास पी जाओ, गर्मी का मौसम हो, 12 बज रहे हो, तो उस कंडीशन में एक तरह से आलस्य सा आने लगता है। तो इसका अर्थ निकलता है आलस्य। फिर है अपने पास में 19 नंबर पर इंजरियस। इंजरियस का जो अर्थ था वो था अपने पास में हार्मफुल, मतलब कि नुकसानदायक। कनेक्शन कैसे किया था कि खेल के दौरान बीच में अगर आपको इंजरी, मतलब कि इंजर्ड हो जाओ या चोट लग जाए, तो उस टीम के लिए एक तरह से पूरी तरह से वो क्या होता है, नुकसानदायक। उसके बाद 20 नंबर पर है ये जूली वाला, इसका अर्थ क्या था, मेरी, मतलब कि खुशी। कनेक्शन कैसे किया था कि जूली जूली, जूली के ऊपर आए जोनी का दिल, उस गाने को गाते समय जो मिथुन चक्रवर्ती था वो पूरी तरह से खुश रहता था। कहीं ना कहीं बोल सकते उस गाने को गाते समय मिथुन चक्रवर्ती को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। इसका अर्थ निकलता है खुशी। उसके बाद 21 नंबर पर वर्ड है अपने पास जीते, जिसका अर्थ होता है नर्वस, मतलब कि घबराया हुआ। कनेक्शन कैसे किया था कि जीत तो तेरी होगी। जब अपन नर्वस से होते हैं नहीं, किसी सपोज करो किसी प्रतियोगिता में खेलने जा रहे हो, तो नर्वसनेस आती है, जाहिर सी बात है एक तरह से। ये जब अपन नर्वस हो रहे हो, घबराए हुए हो, तो घर वाले क्या कहते हैं यहां से कि जीत और तेरी, ये बेटा जीत तो क्या तेरी होगी, तो नर्वस मत हो। तो यहां से बैठेगा जीत और तेरी के दो। उसके बाद 22 नंबर पर जो वर्ड है अपना वह है फेकलेसी। इसका अर्थ निकलता है लापरवाह, मतलब कि केयरलेस। कनेक्शन कैसे होगा, फेक, अगर कोई आदमी या कोई स्टूडेंट वगैरह है, आता है घर में, आया रूम के अंदर, गया सीधा और सामान को फेंका, बैग को इधर, बेल्ट को इधर, पैंट को उधर, शर्ट को इधर, तो इधर उधर फेंकता रहता है। ऐसा आदमी क्या होता है, लापरवाह, मतलब कि केयरलेस। उसके बाद में है राइफ, और राइफ का अर्थ था अपने पास में वाइड स्प्रेड, मतलब कि प्रचुर या फैला हुआ। कनेक्शन कैसे किया था, राइफ मतलब राइफल,
और जो राइफल है वो अमेरिका के पास में कितनी है प्रचुर मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा फैली हुई है एक तरह से ये, तो यहां से बैठ जाएगा राइफल के थ्रू ही। उसके बाद है 24 नंबर पर डांगी, जिसका अर्थ निकलता है इंटाइमिडेट, मतलब कि डराना। कनेक्शन कैसे होगा कि डांट, कि जब डांट पड़ती है ना बच्चे को तभी वो डरता है एक तरह से, तो अर्थ ये निकला कि बच्चे को डांट डांट कर उसको डराना, तो इसका अर्थ निकलता है डराना। फिर 25 नंबर पर जो वर्ड है वो है अपने पास में स्टेशनरी। स्टेशनरी का अर्थ निकलता है स्टैंडिंग, मतलब कि बिल्कुल एक जगह स्थिर हो। कनेक्शन कैसे किया था, स्टेशन रेलवे स्टेशन ही है, एक जगह खड़ा ही रहता है, एक जगह स्टैंडिंग ही रहता है, तो यहां से बैठ जाएगा स्टेशन के थ्रू। अब है अपने पास में असाई, और इसका अर्थ निकलता है अटैक। अच्छा वर्ड है, रिपीटेशन में रहती है इसकी ये, और हिंदी में ये कह रहा है यहां से आक्रमण करना। तो देखो कनेक्शन कैसे करते हैं, साउंड निकालते हैं यहां से, बोले असाइल 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 और साउंड ऑफ मिसाइल। अगर सपोज करो किसी देश को किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करना हो तो वो किसका काम में लेते हैं, इसको मिसाइल को काम में लेते हैं, तो यहां से बैठ जाएगा बोले असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल, और मिसाइल से क्या करना, अटैक करना, मतलब कि आक्रमण करना। फिर है अपने पास पीएन, ये वर्ड भी एसएससी में अब तक दो बार आ चुका है, जिसका अर्थ निकलता है इक्वल, मतलब कि बराबर, मतलब कि समान। तो उसके कनेक्शन क्या, दो प्रकार से हो सकते हैं, पहले एक कनेक्शन देखते हैं, यहां से देखना, बोले कि पीयर 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 और बोले साउंड ऑफ बियर, जो बियर वगैरह होती है ये किसके साथ पीते हैं, बराबर वालों के साथ, जो बराबर की जो उम्र होती है उनके साथ ही पीते हैं, तो यहां से बैठ जाएगा पीयर और साउंड ऑफ बियर। तो यहां से बैठेगा पीयर और साउंड ऑफ बियर, ये बियर किनके साथ पीते हैं, बराबर वालों के साथ। उसके बाद फिर जो वर्ड है अपना वो है यहां से डॉगमेटिक, जिसका अर्थ निकलता सिद्धांत, मतलब कि डॉक्ट्रिनल। इसका कनेक्शन यहां से करते हैं कि इसमें यहां से क्यों उठा लेता हूं मैं, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और एम ए टी आई मतलब माटी, माटी मतलब होती है मिट्टी को बोलते हैं एक तरह से। कुत्ते का ये सिद्धांत ही होता है, देखना एक बार यहां से, डॉग का मतलब कुत्ता, एम ए टी आई मतलब माटी, कुत्ते का ये सिद्धांत होता है कि वो हमेशा जब भी बैठता है तो हमेशा माटी को साफ करके बैठता है। देखना एक बार यहां से कि कुत्ते का ये सिद्धांत ही होता है कि जब भी वो किसी जगह बैठता है तो माटी को साफ करके बैठता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास सरफेट, मतलब कि एक्सेस, या कहीं ना कहीं बोल सकते सरप्लस, मतलब कि जरूरत से भी ज्यादा। जब आपको जरूरत से भी ज्यादा अगर डांट पड़े, देखने एक बार कनेक्शन कैसे बैठेगा, कि जरूरत से भी ज्यादा डांट पड़े घर वालों की, उस कंडीशन में अपना सिर होता नहीं फटने लगता है, तो देखना कनेक्शन यहां से होगा कि एस यू आर मतलब क्या, सर, और बोले फट मतलब कि फटने लगता है, सर फटने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, कब, जब अपने को जरूरत से भी ज्यादा डांट पड़ती है तभी, तो यहां से बैठेगा सर फल से फट के। अब है अपने पास में गिरफ्तार करना, मतलब कि अप्रेहेंड, और अरेस्ट इसकी इंग्लिश है। कनेक्शन कैसे करना है देखना एक बार, पुलिस हो जैसे ही, और पुलिस को यह लगा कि ये अपराधी है, और सामने पुलिस 100 और अपराधी खड़े एक दो ही, उस कंडीशन में क्या होता है, पुलिस कहती है अपराधी को सरेंडर करने के लिए, तो उस टाइम क्या बोलती है वो, हैंड्स अप, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर यूं करना है एक तरह से, ताकि जो हथियार वगैरह नीचे चले जाए या नीचे फेंक दें एक तरह से रख देंगे। तो यहां देखो इससे कर लेते हैं, बोली अपर, अपर मतलब क्या, ऊपर एक तरह से, ये कह रहे हैं अपर मतलब ऊपर एक तरह से, और हैंड मतलब कि हाथ ही, ये कह रही है ऊपर हाथ करो, हैंड्स का मतलब क्या, ऊपर हाथ करना, ये कह रही है क्या कि ऊपर हाथ करो, और कब कहती है पुलिस, जब वो क्या करती है गिरफ्तार करती है, तब कहती है कि अपर, अपर मतलब ऊपर करो, और क्या करो, हैंड मतलब कि हाथ एक तरह से। तो ये हो चुके टोटल यहां पर अपने पास में 30, इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है जीटेरी, जीटेरी जो है इसका कनेक्शन किया था कि जीत तो तेरी होगी बेटा, जब वो नर्वस हो जाते हैं ना अपन ये, तो घरवाले हौसला अफजाई करने के लिए क्या कहते हैं कि जीत तो तेरी ही होगी,
उसके बाद में है 22 नंबर फेकलेस। फेकलेस का अर्थ था केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। कनेक्शन कैसे किया था कि सामान को इधर उधर फेंकने वाला, एक तरह से वो क्या होता है, लापरवाह। 23 नंबर पर है राइव। राइव का अर्थ होता है वाइड स्प्रेड, मतलब कि फैला हुआ परचून। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से राइफल, कि जो राइफल है अमेरिका के पास है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, मतलब काफी ज्यादा फैली हुई है एक तरह से। उसके बाद में है डॉट। डॉट का कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन ऐसे किया था कि डॉट मतलब डॉट डॉट कर बच्चे को डराना, मतलब कि इंटाइमिडेट। उसके बाद 25 नंबर पर वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का अर्थ निकलता है स्टैंडिंग, मतलब कि स्थिर एक ही जगह एक तरह से। कनेक्शन कैसे किया था, स्टेशन जो स्टेशन होता है वो हमेशा एक ही जगह रुका हुआ रहता है, मतलब स्टैंडिंग कंडीशन। अब है अपने पास में 26 नंबर पर असाइल। इसका अर्थ निकलता है अटैक, मतलब कि आक्रमण करना। कनेक्शन कैसे किया था कि असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल, असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल, और मिसाइल से क्या करते हैं अटैक, तो इसका अर्थ क्या हुआ अटैक। उसके बाद 27 नंबर पर है पीयर। पीयर का अर्थ निकलता है इक्वल, मतलब कि समान। कनेक्शन कैसे किया था कि पीयर और साउंड ऑफ बियर, और जो बियर वगैरह पीते हैं, जो दारू वगैरह पीते हैं, वो किसके साथ पीते हैं, बराबर उम्र वालों के साथ, तो इसका अर्थ निकलता है बराबरी। उसके बाद 28 नंबर पर है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का अर्थ था अपना डॉक्ट्रिनल, मतलब कि सिद्धांत। कनेक्शन कैसे किया था कि डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, और एम ए टी आई माटी, कुत्ते का ये सिद्धांत ही होता है कि वो माटी को हमेशा साफ करके ही बैठता है। उसके बाद में है 29 नंबर पर सरफेट, जिसका अर्थ निकलता है एक्सेज, मतलब कि ज्यादा, और एक लैंग्वेज थी इसकी सरप्लस। सरप्लस का अर्थ भी निकलता है ज्यादा, ज्यादा भी कैसे, जरूरत से भी ज्यादा एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे किया था कि सर मतलब जो सिर होता है ना ये, और ये फटने लगता है कब, जो अपने वो जरूरत से भी ज्यादा डांट पड़ती है तभी। उसके बाद 30 नंबर था अप्रेहेंड। अप्रेहेंड का अर्थ निकलता है अरेस्ट, मतलब कि गिरफ्तार करना। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो अपराधी क्या बोलती है, अपर मतलब ऊपर कर, और क्या हाथ एक तरह से, तो ऊपर हाथ कर कब बोलती है पुलिस, जब गिरफ्तार करती है तभी। रोको ही बोले अब है अपने पास वर्ड यहां से फोर्टिट्यूड, जिसका अर्थ निकलता क्रेज, मतलब कि साहस। तो देखो यहां से कनेक्शन इस जगह से कर लेते हैं कि फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। यहां से बैठते हैं, फोर्ट का मतलब किला एक तरह से। और पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो रहते थे किले में रहते थे, और उनमें क्या होता था, साहस होता, क्रेज होता था लड़ने का एक तरह से। यहां से बैठेगा फोर्ट के थ्रू। फिर है अपने पास में यहां से सौरी, इसका अर्थ निकलता है टेस्टी, मतलब कि स्वादिष्टी। तो इसका कनेक्शन देखो यहां से कर लेते रामायण के थ्रू। इसमें एक ऐसा सीन आया था जब भगवान राम और एक जो लक्ष्मण थे ये दोनों गए थे सबरी। तो देखने एक बार यहां से ये इसको यूं कर लेते हैं कि सौरी 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 और सावन किसका, सबरी। और सबरी के जो बेर थे भगवान श्री राम को कैसे लगे थे, स्वादिष्ट लगे थे। तो यहां से बैठ जाएगा सौरी और सबरी के थ्रू। उसके बाद में है क्वारी, जिसका अर्थ निकलता है कॉशियस, मतलब कि सतर्क और सावधानी। तो देखो कनेक्शन यहां से कर लेते हैं, डब्ल्यू ए आर, वार का मतलब होता है युद्ध। और जब युद्ध में जब लड़ाई करते हैं सैनिक, तो उनको हमेशा हर स्टेप पर बिल्कुल क्या रहना पड़ता है, सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। तो यहां से बैठेगा वार के थ्रू। फिर अपने पास में यहां है अमास, इसका अर्थ निकलता है गैदर टूगेदर, एक्यूमुलेट मतलब कि इकट्ठा करना। जैसे यहां पर देखना काफी सारे कुत्ते हैं ये, और इसको देखो यूं कर लेते हैं कि एका मतलब क्या होता है, एक। मास का मतलब होता मास, मतलब कि मास ये। एका मतलब वो एक, और मास का मतलब मास ये। अगर सपोज करो एक मास का टुकड़ा यहां पड़ा हो, और अगर एक कुत्ते को पता चल गया, तो उसकी बनग लगते लगते अगर सभी कुत्तों को लग जाए, जैसे ये उसकी बनग ये, उस कंडीशन में क्या होता है, सारे सारे जो कुत्ते हैं उस एक मास का टुकड़ा पड़ा था ना, वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना ही।
उसके बाद में है यहां से ये इवानेसेंट, जिसका अर्थ निकलता है शॉर्ट लिविंग मतलब क्षणिक। इसका कनेक्शन देखो यहां से कर लेते हैं, जैसे कि आपने अगर देखा हो तो ई वी ए मतलब कि ईवा, यहां देखना एक बार ई वी ए, यहां पर भी वही वर्ड है ईवा। उसके बाद देखना यहां से सेंट, सेंट मतलब परफ्यूम, ईवा कंपनी का ये परफ्यूम या सेंट वगैरह आता है, और आप सब जानते हो जब अपन सेंट वगैरह लगाते हैं ये तो कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उसकी सुगंध वगैरह रहती है, कहीं ना कहीं बोल सकते क्षणिक एक तरह से ये। तो अगर आप ईवा कंपनी का भी सेंट लगाओगे तो उसकी भी सुगंध है एक तरह से, वो कैसे रहेगी शॉर्ट लिविंग मतलब कि क्षणिक एक तरह से। तो ये हो चुके टोटल अपने पास में 35, एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं यहां से। जिनमें 26 नंबर पर जो वर्ड है अपना वो है असाइल। कनेक्शन कैसे किया था कि असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल, और मिसाइल से क्या करते हैं अटैक। उसके बाद में है 27 नंबर पर पियर और साउंड ऑफ बियर, और जो बियर पीते हैं वो किनके साथ पीते हैं बराबर उम्र वालों के साथ, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इक्वल। उसके बाद है 28 नंबर पर डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का अर्थ है अपना डॉक्ट्रिनल मतलब कि सिद्धांत। कनेक्शन कैसे किया था कि डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और एम ए टी ए मतलब माटी, और कुत्ते का ये सिद्धांत ही होता है कि वो हमेशा माटी को साफ करके ही बैठता है, तो यहां से बैठेगा डॉग और माटी के थ्रू। उसके बाद है 29 नंबर पर सरफिट, जिसका अर्थ निकलता है जरूरत से ज्यादा मतलब कि एक्सेस या सरप्लस। ये कनेक्शन कैसे किया था कि सर मतलब कि सिर, और फट मतलब फटने लगता है कब, जब आपको जरूरत से ज्यादा डांट पड़े तभी है। उसके बाद 30 नंबर पर अफ्रहन, इसका अर्थ निकलता है अरेस्ट मतलब कि गिरफ्तार करना ही। तो इसका कनेक्शन कैसे किया था कि अपर, अपर मतलब ऊपर, और हैंड मतलब हाथ, तो यहां से किया था कि अपर मतलब कि ऊपर, हैंड मतलब कि हाथ, ऊपर हाथ कर कब, पुलिस कब कहती है जब गिरफ्तार करते तब ये कहती है कि हैंडसअप, हैंडसअप का अर्थ क्या निकला ऊपर हाथ, और ये भी तो ये कह रहा है कि ऊपर हाथ कर यहां से। उसके बाद 31 नंबर पर है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का अर्थ निकलता है क्रेज मतलब कि साहस। कनेक्शन किया था यहां से कि फोर्ट का मतलब होता है किला, और पुराने जमाने में राजा महाराजा इस किले में मतलब किले में रहते थे, और उनमें क्रेज होता था लड़ने का मतलब कि साहस होता था एक तरह से ये, तो यहां से बैठ जाएगा फोर्ट के थ्रू। फिर है अपने पास 32 नंबर पर सेवरी, जिसका अर्थ निकलता है स्वादिष्ट मतलब कि टेस्टी। कनेक्शन ऐसे किया था यहां से कि सावरी और साउंड ऑफ सबरी, और सबरी के जो बेल है भगवान श्री राम को कैसे लगे थे स्वादिष्ट मतलब कि टेस्टी। उसके बाद 33 नंबर पर है वारी, इसका अर्थ निकलता है सावधान या सतर्क। इसका कनेक्शन किया था वार, वार का मतलब युद्ध, और युद्ध में क्या होता है कि सैनिक को बिल्कुल सावधान और सतर्क रहना पड़ता है हर स्टेप पर ये, तो इसका कनेक्शन बेटा था वार के थ्रू। फिर था अपने पास 34 नंबर अमास, इसका अर्थ निकलता है एक्यूमुलेट मतलब कि इकट्ठा करना। तो कनेक्शन किसे किया था कि एक का मतलब एक, और मास का मतलब वो मास का टुकड़ा, अगर यहां पर जैसे एक मांस का टुकड़ा पड़ा हो इस जगह, एक कुत्ता यहां पर आया, उसके बाद क्या होता है उसकी सुगंध से दुर्गंध से जो भी है काफी सारे जो कुत्ते वगैरह वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि एक मांस के टुकड़े ने ही सबको इकट्ठा कर दिया, तो इसका अर्थ क्या था अपना इकट्ठा करना ही। उसके बाद 35 नंबर पर इवानेसेंट, इसका अर्थ था क्षणिक मतलब कि शॉर्ट लिविंग। तो कनेक्शन कैसे किया था कि ईवा E-V-A, ईवा, और ईवा कंपनी का क्या आता है सेंट आता है, देख रहे हैं आज ईवा, ईवा कंपनी का क्या आता है सेंट आता है, सेंट मतलब परफ्यूम ये, और जब अगर आप परफ्यूम लगाओगे ईवा कंपनी का किसी का भी लगा लो, लेकिन यहाँ ईवा कंपनी आ रही है तो यहाँ से उठा लेते हैं, तो उसकी जो सुगंध होती है एक तरह से वो बिल्कुल ही थोड़े समय के लिए होती है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं शॉर्ट लिविंग, कहीं ना कहीं हिंदी में बोल सकते हैं क्षणिक। उसके बाद में है गल, जिसका अर्थ निकलता है फेस्टिव मतलब कि उत्सव, उत्सव मतलब त्योहार वगैरह एक तरह से ये। तो यहाँ देखने एक बार जब उत्सव वगैरह आते हैं, जब त्योहार वगैरह आते हैं तो हम क्या करते हैं एक दूसरे से गला मिलते हैं, तो गला कब मिलते हैं जब उत्सव वगैरह त्योहार वगैरह आता है तभी।
उसके बाद में है गिगांटिक, जिसका अर्थ निकलता है ह्यूज, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कॉलोसल, मतलब कि विशाल, बहुत बड़ा। तो देखो कनेक्शन यहां से कर लेते हैं, इस इमेज में जैसे देखना कुछ अगर नजर आ रहा हो कि कनेक्शन कैसे बैठेगा, तो यहां देखना एक बार, जी आई जी ए एन मतलब कि गगन, गगन किसको बोलते हैं, आकाश को, और आकाश कितना है, बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत ही विशाल है, तो यहां से बैठेगा गगन केतु। उसके बाद में है पाओ वाओ, जिसका अर्थ निकलता है मीटिंग, मतलब कि सब आए। तो देखो कनेक्शन यहां से बैठा लेते हैं, पाव मतलब कि पाव बाजी, और वाव, वाव को बोलते हैं ना कोई चीज शानदार लगती है, बोले वाव। तो देख रहे हैं पाव बाजी और वाव। अगर सपोज करो जैसे मीटिंग हो, तो मीटिंग में ज्यादातर आपने देखा होगा कि चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट ज्यादा ज्यादा यही मिलता है, या थोड़े बहुत नमकीन वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन सपोज करो अगर मीटिंग के अंदर अगर आपको एक दिन मिले नाश्ते के रूप में पाव भाजी, तो आप क्या बोलोगे, बोले वाव इस बार तो मीटिंग में क्या पाव भाजी। तो यहां से बैठेगा, बोले वाव इस बार तो क्या पाव भाजी, और वो भी किस में, मीटिंग में। उसके बाद में है गेम, इसका अर्थ निकलता है वाइन स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में है अपने पास में गेम, मतलब कि वाइन स्टॉप या गस्ट ऑफ वाइन, इसका अर्थ निकलता है तूफान। तो कनेक्शन यहां से कर लेते हैं, आपने सामने देखा है क्रिकेटर है क्रिस गेल, तो गेल मतलब कि क्रिस गेल, और क्रिस गेल जब शॉट खेलता है तो कैसे खेलता है, तूफानी शॉट खेलता है, तो यहां से बैठेगा गेल के तो। फिर है अपने पास में रिकेट, यह वर्ड भी अच्छा खासा है और रिपीटर से भी अच्छी खासी लेता है, इसका अर्थ निकलता है हार्ड, मतलब कि कठोर। जब कोई कठोर चीज होती है और उसे अपने को अगर मुलायम बनाना, तो उसका एक ही तरीका है, बोलेंगे इसको रगड़। देखना एक बार ये बोल, रगड़ते कौन सी चीज को, अपन कठोर चीजों को रगड़ते क्या बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए। तो यहां से बैठेगा रगड़ के तुम। फिर है अपने पास में यहां पर, ये टोटल हो चुके 40 वर्ड, और एक बार कर लेते हैं इनका यहां से रिविजन। तो देखना एक बार की 31 नंबर पर वर्ड है अपने पास से फोर्टिट्यूड, जिसका अर्थ निकलता है करेज, मतलब कि साहस। कनेक्शन कैसे किया था, फोर्ट, फोर्ट का मतलब क्या था, किला, और पुराने जमाने में राजा महाराजा कहां रहते थे, किले में रहते थे, और उनमें साहस और करेज होता था लड़ने का ही। उसके बाद में है 32 नंबर पर सबरी, और साउंड ऑफ सबरी, और सबरी के जो बेर है भगवान श्री राम को कैसे लगे थे, टेस्टी मतलब की स्वादिष्ट। उसके बाद में है 33 मतलब वारी, इसका अर्थ निकलता क्योशियस, मतलब सावधान या सतर्क। कनेक्शन कैसे किया था, वार, वार का मतलब युद्ध, और युद्ध में जो सैनिक होते हैं बिल्कुल सावधान और सतर्क रहते हैं हर स्टेप के ऊपर ही, तो यहां से बैठेगा वार के थ्रू। उसके बाद 34 नंबर पर है अमास, जिसका अर्थ निकलता एक्यूमुलेट, मतलब कि इकट्ठा करना। कनेक्शन कैसे किया था, एका मतलब होता है एक, मांस का मतलब मांस का टुकड़ा, यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हो, ये कुत्ता आ गया, आते आते सारे कुत्ते इस जगह जाते हैं, इसका अर्थ ये निकला कि इस एक मांस के टुकड़े ने सब कुत्तों को इकट्ठा कर दिया, तो इसका अर्थ निकलना था इकट्ठा करना। उसके बाद 35 नंबर पर जो वर्ड है वो है अपने पास में इवाने से, जिसका अर्थ निकलता शॉर्ट लिविंग, मतलब कि क्षणिक। कनेक्शन कैसे किया था, कि ईवा और सेन, कि जो ईवा कंपनी का सेंट है अगर आप वो लगाओगे, मतलब जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उसको सेंट वगैरह बोलते हैं, अगर आप लगाओगे तो थोड़े समय के लिए वो सुगंध देगा, फिर बाद में वही नॉर्मल। अर्थ ये निकला कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो रहेगा क्षणिक, मतलब कि शॉर्ट लिविंग। उसके बाद में 36 पर गर, इसका अर्थ था अपने पास में फेस्टिव, मतलब कि उत्सव। कनेक्शन किया था कि जब उत्सव वगैरह आते हैं तो उस समय हम गले वगैरह मिलते हैं, तो यहां से मिल जाएगा गला मिलना, कब, जब उत्सव वगैरह आता है तभी। उसके बाद 37 नंबर पर है गिगांटिक, जिसका अर्थ था ह्यूज या कोलोसल, मतलब कि विशाल। कनेक्शन कैसे किया था, गगन, गगन मतलब आकाश, गगन मतलब होता है आकाश, और आकाश जो है वो कैसा है, विशाल का ही है, जिसका अर्थ निकलता है विशाल। 38 पर है अपने पास पाव और वाव, इसका कनेक्शन किया था कि वाव
इस बार तो पाव भाजी, और किसमें? मीटिंग में। तो इसका अर्थ निकलता है मीटिंग में। उसके बाद में है 39 पर गेल। इसका कनेक्शन किया था यहां से, तो गेल मतलब क्रिस गेल। जब भी शॉट खेलता है तो कैसे खेलता है? तूफानी शॉट खेलता है, तो उसका अर्थ होता है तूफान। उसके बाद में है रिगिड, इसका अर्थ होता है कठोर मतलब की हार्डी। कोई भी चीज अगर कठोर या हार्ड है उसको मुलायम बनाना है तो एक ही तरीका है, रगड़ मतलब की रगड़ इसको। और कौन सी इसको रगड़ते हैं अपन? जो कठोर होती है उनको। तो ये थी अपनी यहां से क्लास, उसके बाद आगे वाली क्लास के बारे में कल डिस्कस करेंगे।